नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेमी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दशरथ जी को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है अपने पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग को देखते हुए माता पार्वती प्रभु से पूछती हैं अपने शिव शंभु भगवान से कि हे प्रभु, क्या इतना दुख, इतना पुत्र मोह होना उचित है? एक राजा को शोभा देता है, वो भी एक राजा जिसने पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी, पता नहीं कितने मृत्यु देखी उसने। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये दरअसल इस जन्म का नहीं कि पुत्र और पिता के संबंध को छोड़ो, एक भक्त और भगवान के संबंध के जब ध्यान में रख करके इनके संबंध को देखोगे आप तो आपको पता चल गया। आपको भक्ति के उससे देखना है। मनु और शत्रुपज ब्रह्मा जी के पुत्रों में एक, तो उन्होंने अपने आखिरी कुछ दिनों में बहुत ही कठोर तपस्या की विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। जब वो प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कहा कि वर मांगिए, क्या चाहिए आपको, इस समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। उस समय मनु और शत्रुपज जी ने बहुत ही संकोच पूर्ण भाव से कहा कि हे प्रभु, हम आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, त्रेता युग में आप बनेंगे राजा दशरथ और शत्रुपज जी आप बनेंगी कौशल्या। आप दोनों के द्वारा मेरी उत्पत्ति होगी और मैं बनूंगा आपका पुत्र। तो वहां से अगर देखा जाएगा तो समझ में आता है कि भक्त और भगवान के वियोग का समय है, तो भक्त अब रहना ही नहीं चाहेगा अपने भगवान के बिना। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके समक्ष स्वयं भगवान हो, उनका मुंह कैसे जा सकता है? आत्मा को पता है, और जबकि आपने जन्म लिया मनुष्य के रूप में, आत्मा को तो पता है ना कि क्या भाव होने। अच्छा, फिलहाल ये जानकारी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माता सीता जाते समय अपने जितने भी दायित्व जो उनके ऊपर थे उसको नीचे फॉरवर्ड करके दे रही हैं मांडवी जी को, अपने चार्जेस हैंड ओवर कर रहा। भरत जी आएंगे, उनको आपको देखना है, देखना ये परिवार टूटने ना पाए। पिताश्री को भी आपको देखना, माता श्री को भी आपको देखना है। भरत जी अभी इस फ्रेम में नहीं है, लेकिन भरत जी का वो डर इस फ्रेम में दिखाया जा रहा है। और जरूरी जब भरत जी आएंगे तो उनका क्रोध, उनका दुख उस लेवल का होगा कि हाँ पिता नहीं है, जिस प्रकार चारों बहनें उनका जो नेचर है वो जानती है और अपने भाई के प्रति जो उनका प्रेम है वो भी जानती है। चल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 116 पार्ट 2। इस परिवार की बड़ी वधू होने के नाते माताओं की सेवा का दायित्व मैं तुम तीनों को सौंपती हूं। माताओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो ऐसी व्यवस्था करना। सदैव का सम्मान करना। और ये स्मरण रखना कि अब से तुम तीनों मेरा प्रतिनिधित्व भी कर रही हो। ऐसे कठिन समय में भी दीदी आप उत्तरदायित्वों की बात कर रही हैं। आप निश्चिंत रहिए दीदी, आपके अनुपस्थिति में हम अपना प्रत्येक दायित्व निभाएंगे। प्रतिदिन उस क्षण की प्रतीक्षा करते हुए 14 वर्ष पूर्ण होंगे और जीजाश्री के साथ अयोध्या में आपका पुनः पदार्पण होगा।
मां, हमारा सौभाग्य कि आप हमें विदा करने आए। मैं तुम्हें विदा करने नहीं, अभी तो तुम्हें स्मरण कराने आई हूं कि वन में तुम्हारे साथ सीता भी जा रही है। राम, वनवास के कुछ नियम होते हैं। तुमने जो वस्त्र धारण किए हैं उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। मुझे आशा है कि तुम उन नियमों और मर्यादाओं का पालन करोगे, तभी तुम्हारे 14 वर्षों के वनवास को पूर्ण माना जाएगा। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा है। माता, हमने वन जाने का निश्चय किया है और वनवास नियमों का पालन करना ही हमारा प्रथम धर्म होगा, किंतु आपके विश्वास के लिए मैं आपको वचन देती हूँ कि हम पति पत्नी 14 वर्षों तक सन्यासी के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कंद मूल फल हमारा भोजन और कुशाही हमारी शैया होगी। आपने हमें वनवास धर्म की ओर अग्रसर किया, उसके महत्व को हमारे जीवन में स्थापित किया, इसके लिए आपका आभार। किंतु जाते जाते आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं। पिताजी आपसे अत्यंत स्नेह व प्रेम करते हैं, मेरी आपसे मात्र इतनी प्रार्थना है मां, उनके सुख और दुख का ध्यान रखिएगा। अपने वधु को अपने हाथ से आशीर्वाद देकर वन भेजना पड़े, इस दिन की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सीता, ऐसे संकट के समय में भी तुमने अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया है। ये प्रमाण है पुत्री कि तुम सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और खुलोचित मर्यादाओं में स्थित। सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव।
लक्ष्मण, अपने बड़े भैया और भाभी की सेवा में कभी प्रमाद न करना। संसार में सत्य पुरुषों का सदैव यही धर्म रहा है कि वो अपने बड़े भाई के आज्ञा के अधीन रहे। आज से तुम अपने बड़े भाई को अपने पिता महाराज दशरथ समझो। जनक नंदिनी सीता को अपनी मां, एक सजग प्रहरी की भांति सदैव राम और सीता की रक्षा करना, सदैव ऐसे कार्य करना कि राम को वन में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यही मेरा उपदेश है पुत्र। राजा उनको राजा बनाने के प्रति उनके सारे दायित्व सारे दाव पेश दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक भाव से देखेंगे तो वे एक कड़े प्रशिक्षक की भांति दिखाई देती हैं कि आपका पुत्र संपूर्ण सृष्टि के लिए एक मानक बनेगा, उसके लिए सबसे पहला त्याग करना पड़ेगा माता। ऐसी माता बनने जो अगाध प्रेम कर रहा हो अपने पुत्र से, ऐसी माता जिसने बचपन से प्रभु श्री रामचंद्र जी का सर्वप्रथम ध्यान रखा हो, वो मानसिक रूप से कितनी भी परिवर्तित हो जाए लेकिन वो अंदर का जो प्रशिक्षक है वो उसके अंदर से नहीं जाए। जहां मंत्रा ने उनको यह समझाया कि पहला पुत्र, उन्होंने कहा काम करो अब ये भी टेस्ट इसी में डाल दो, एक काम करो इनकी ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर ली जाए। भैया 14 साल पूरा सन्यास एकदम प्रॉपर ब्रह्मचर्य, ठीक कर पाओगे? हाँ माँ, हाँ बोलो। अच्छा एक तरफ हमने देखा कि माता कैकेयी को कि उनके आदेश, उनका पुत्र मोह और केवल अपने पुत्र के प्रति, मतलब चारों पुत्रों को एक समान ना माना। एक तरफ हमने देखा कि उपदेश माता सुमित्रा का, जिन्होंने अपने पुत्र को भी ऊपर ना रखकर प्रभु श्री राम जी को ऊपर रखा कि हाँ आपके बाद हाँ कष्ट आपको भले हो जाए
लेकिन प्रभु श्री राम जी और माता कष्ट नहीं होना चाहिए, संपूर्ण जीवन समर्पित कर समर्पित कर दो। खैर बड़ा समर्पण जो है ना वो बड़ा जिसे कहते ना एक प्रश्नकारी विषय है, समर्पण होना किसके प्रति चाहिए। यदि ये सोच के समर्पण किया जा रहा हो तो समर्पण में दोष है। जिसने जिसने समर्पण दिखाया, इस पूरे सतयुग की बात मैं कर रहा हूं, त्रेता युग की बात मैं कर रहा हूं, जिसने जिसने समर्पण दिखाया उन सब का नाम आज हमारी जबान पर है, यानी इतने 100 सालों बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं समर्पण की, यही एक छोटी सी परिभाषा। महाभारत से आपको समर्पण का सही अर्थ समझ में आया होगा अगर देखी होंगी वीडियोस प्रॉपरली तो, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि जब अंगराज कर्ण ने समर्पित किया था अपने को दुर्योधन को, तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री कृष्ण ने उनसे ये प्रश्नोत्तर अवश्य किया था कि ये देखना था कि आप अपना समर्पण किसके प्रति कर रहे हैं, व्यक्ति कैसा है, आगे चल के आपसे क्या क्या करवा सकता है। समर्पण इंपॉर्टेंट है लेकिन किसके प्रति, वो व्यक्ति कैसा है, उसके व्यक्तित्व में क्या खासियत है, ये आपको जरूर देखना। जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति समर्पण है हमारे लक्ष्मण जी का, उसी प्रकार से अभी एक और अनन्य समर्पित भक्त भी आने वाले हैं कुछ एक क्षणों में इस एपिसोडों में, वह हैं हमारे बजरंग बली जी। तो बड़ा एक बेसब्री से इंतजार है उन एपिसोडों का। फिलहाल अभी देखते हैं भरत जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड से हम लेते हैं विदा, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।